नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है 2019 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। आप सभी स्टूडेंट काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि अब राउंड वन का रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग का प्रोसेस डिले हुआ है तो कितना डेज डिले हुआ है और रिवाइज शेड्यूल 2019 की काउंसलिंग के लिए कौन सा है। MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब काउंसलिंग का जो न्यू शेड्यूल है वह अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, mcc.nic.in। काउंसलिंग शेड्यूल पर अगर आप क्लिक करें तो रिवाइज शेड्यूल अब अवेलेबल हो गया है। देख लेते हैं कि रिजल्ट जो है कब तक आएगा। राउंड वन का हम शुरू करते हैं तो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 27 जून से 30 जून 2019 है। राउंड वन का रिजल्ट जो है 1 जुलाई 2019 को हो जाएगा और रिपोर्टिंग का टाइमिंग है 1 जुलाई से 6 जुलाई 2019। राउंड टू के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, राउंड टू में जो रिवाइज शेड्यूल है उसमें चॉइस फिलिंग की डेट अप टू 12 जुलाई 2019 है। रजिस्ट्रेशन के लिए 9 जुलाई से 11 जुलाई 2019 टिल 5 PM तक है। पेमेंट की फैसिलिटीज़ एक दिन और अवेलेबल होगी 11th जुलाई टिल 12 नून और उसके बाद सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 13 से 15 जुलाई 2019। अब राउंड टू का रिजल्ट 15 जुलाई 2019, रिपोर्टिंग आपको करना है 15 जुलाई से 22nd जुलाई 2019 तक। तो यह न्यू शेड्यूल है। उसके अलावा मॉपअप राउंड है सेंट्रल और डीम यूनिवर्सिटी और ESI के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर कि रिवाइज शेड्यूल अब अवेलेबल हो गई है। तो MCC के वेबसाइट पर जाइए और आपको ये सभी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।